हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आपका नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ आई हूँ। मैं हूँ हॉस्पिटल में। कल रात को व्लॉग एंड किया ना, उससे पहले ही चाचा के ना पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं हॉस्पिटल ले आया, जिस कारण से उन्हें इन्फेक्शन बताया पेट में। जो भी है टेस्ट वगैरह करेंगे, एडमिट कर लिया। कोई नहीं यार, ठीक हो जाए बस। इस मारे में ब्लॉग भी नहीं करा यार, अच्छा थोड़े ना लगता यार, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा आपके लिए। अब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो अभी हॉस्पिटल में हूँ, पल पूरी पूरी रात जगा रहा मैं। अभी भी सुबह के 10:30 बज गए, देख रहा हूँ आज भी आंखें भी लग रही होंगी, एकदम जड़ी जड़ी नींद सी भी आ रही है। तो अब रूम में बैठे हम आराम से, चाचा को भी अब थोड़ा रिलीफ है। डॉक्टर वगैरह देखेंगे, बाकी अपना जो प्रोसीजर है टेस्ट वगैरह उन्हें जो करना है वो तो वो लोग करेंगे ही। तो अब देखते हैं आगे का कैसा सीन है। और हाँ, हॉस्पिटल में हूँ तो ब्लॉग थोड़ा काम कर पाऊँगा, समझा करो ठीक है। बस साथ बनाए रखो, मिलते हैं आगे। तो भाई अभी मैं हॉस्पिटल के अपने रूम से बाहर आ गया हूँ, तो कुछ खा पी लेते हैं। सुबह रात से कुछ खाया नहीं, 1 बज रहा अब ना, तो कुछ खाता हूँ। धूप बहुत तेज हो रही है, देखते हैं क्या मिलता है। चाय वाय पी लेते हैं अपना नॉर्मल मस्त। अभी भैया मैं नीचे हॉस्पिटल में हूँ, पेपर वर्क वगैरह करा रहा हूँ, चाचा के टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट वगैरह कराता हूँ। अभी प्रीति मौसी आई है खाना लेके, नानी घर पास में आना है से, तो खाना वाना खाते हैं, देखते हैं फिर। ए गाइस, तो अभी फिलहाल मौसी बैठी हुई है, मौसी हॉस्पिटल आई है खाना लेके मेरे लिए। तो अपना खाना पीना यहीं चलेगा, 2-4 दिन। कढ़ी है और पालक पनीर है, रोटी है, तो खा करके दिखाया। हाँ बता रहा हूँ, पालक पनीर वो कड़ी है, तो यह पालक पनीर है और अपना रोटी है मस्त। तो खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे कैसे करना है। अभी फिलहाल तो खाना खाता हूँ। हुआ भाई? अरे यार चप्पल टूट गई। चप्पल ही टूट गई है, नंगे पैर जा रही होता भाई। ये चप्पल थोड़े हाथ में चप्पल लेके जा रही, डॉक्टर साहब को कहे डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन थिएटर में इसको लेकर जाएंगे, इसका ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाओ डॉक्टर साहब। कैसे कैसे लोग हैं। तो भाई अभी हॉस्पिटल के रूम में और आईपीएल का मैच देख रहा हूँ। चाचा भी बैठे हैं, लेटे हुए हैं, आराम करने देते हैं उनको। मैच देख रहा हूँ और कोहली भाई अपने 93 पे पहुंच गए आराम से। पिछले मैच में शतक मारा था, शायद इस मैच में ही शतक मारे, मजा आएगा दिखा दो। देखो भाई आराम से अपना पहुंच गए हैं, कोहली भाई 93 पे, ये 94। देखता हूँ कोहली भाई का, होपफुली फिंगर क्रॉस शतक हो जाए, मजा आएगा। और आरसीबी जीतनी चाहिए, कहीं पहुंचेगी वो प्लेऑफ्स के लिए। 99 पे पहुंच गए भाई कोहली भाई, होपफुली हो जाए शतक। एक से एक शॉट मारे आज, ए चौका। रन आउट होने से बच गए, रन आउट अभी रन आउट हो जाता कोहली भाई। 99 पे है, हो गया भाई शतक, हो गया। मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार इनिंग। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, आराम से देख रहा हूँ क्योंकि मैच उससे ज्यादा मजा आ रहा है। शतक हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आरसीबी जीतती। तो भाई रूम पे आ गया हूँ, खाना वाना मैंने खा लिया, चाचा वॉशरूम गए हैं, मैच देख रहा हूँ। छक्का बचा लिया भाई, जीत भी जाए आरसीबी, बहुत मुश्किल लग रहा है अभी तो, क्या पता जीत भी जाए। बट मैं ये कहना चाहूंगा अभी हॉस्पिटल में हूँ, ब्लॉग में कम करूंगा। आप सब भी प्रेयर करना चाचा जल्दी से ठीक हो जाए। आप कईयों को लगेगा कि हॉस्पिटल में ब्लॉग करने की जरूरत है, और कईयों को ये भी लगना चाहिए कि हाँ बंदा हॉस्पिटल में भी अपना जो काम है वो कर रहा है। बस ज़्यादा सीरियस हालत नहीं है, इन्फेक्शन है, नॉर्मल ठीक हो जाना है। बस आप लोग प्रे करें, जल्दी रिकवरी हो जाए, फास्ट रिकवरी हो जाए, तो उसके बाद हम आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आ पाएँ। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ब्लॉग भी एडिट करूँगा आप, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग मन नहीं कर रहा अंदर से भी करने का, क्योंकि पूरे दिन नींद थकान भी लगी हुई है। तो उस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।